नमस्कार, मैं पूजा यादव लेकर हाजिर हूं आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। राजस्थान के 19 बागी विधायकों को 3 दिन की राहत, हाईकोर्ट अब 24 जुलाई को फैसला सुनाएगा। करनाल में एसडीओ के दफ्तर में जमकर चले लात, घूसे और कुर्सियां, दिखाएंगे विस्तार से। हनी ट्रैप में फंसा फरीदाबाद का फिजियोथेरेपिस्ट, युवती समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। सिरसा में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर 2 युवकों की हत्या, शराब व्यवसायी थे दोनों मृतक। रोहतक में तेज बारिश से गिरी वाटर टैंक की दीवार, दबने से महिला समेत 2 साल की मासूम की मौत। अब राशन की दुकान पर गए बिना घर घर पहुंचेगा राशन, केजरीवाल सरकार को बड़ा फैसला। राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी ने जेल में की खुदकुशी की कोशिश। घर में बम की तरह फटा गैस सिलेंडर, दिखाएंगे विस्तार से। पंजाब बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, लड़कियां ने फिर मारी बाजी। कानपुर शूटआउट, चौबेपुर थाने से लीक हुई थी दबिश की खबर, सामने आया विकास सिपाही का ऑडियो। स्कूटी सवार बदमाशों ने पत्रकार को सिर में गोली मारी, 5 आरोपी गिरफ्तार, चौकी इंचार्ज सस्पेंड। अब खबरें विस्तार से। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार विनोद जी, मैं लुधियाना से नमस्कार पंडित मानंद शर्मा दंडी समिति वाला आश्रम से बोल रहा हूँ। कहाँ से? लुधियाना से बोल रहा हूँ, दंडी समिति भवन आश्रम पंजाब से। हाँ जी, आपके यहाँ हरकी पौड़ी में, आप हरकी पौड़ी में सेवारत है ना कार्य? हाँ 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 जी, तो यहाँ पे बिजली गिरी है रात को? सर ये सब झूठी अफवाह है, दरअसल हरिद्वार में विद्युत विभाग की लाइन का काम चल रहा है। अच्छा 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 अच्छा, जो विद्युत विभाग की अंडरग्राउंड लाइन थी तो वहाँ पर उन्होंने ना तार डाल रखे थे, तो काफी 4 फुट गहरे गड्ढे खोद रखे थे। अच्छा 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 अच्छा, तो रात को यहाँ बारिश हुई है बहुत तेज। अच्छा जी, तो उसमें गड्ढे में जैसे पानी भर गया ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो वो हर की पौड़ी से मतलब 7-8 फीट दीवार और नीचे सीढ़ियां, फिर उसके ऊपर ब्रह्मकुंड में देखा होगा आपने, दीवार है ऊपर सड़क तक। बिल्कुल जी, बिल्कुल, हाँ जी, मैं उधर का ही हूँ। तो वो दीवार गिर गई सर नीचे, वो दीवार गिर गई नीचे, मैंने फेसबुक पर भी डाल दिया था, ये सब गलत अफवाह है। अच्छा अच्छा, कारण दीवार गिरी है। मैं एक्चुअली में न्यूज लगाने चाह रहा था यहाँ पे, तो मैं इसीलिए आपसे मैंने कहा पहले पक्की खबर मिले कि हाँ भाई ये पक्का है, क्योंकि ये कुंभ की तैयारी चल रही ना, तो विद्युत लाइन का काम चल रहा है, आपने वहाँ पर देखेंगे तारे तोरे भी। राजस्थान में जारी सियासी हलचल पर हाई कोर्ट ने सचिन पायलट गुट को 24 जुलाई तक की मोहलत मिल गई है। हाई कोर्ट ने स्पीकर सीपी जोशी से कहा कि आप 24 जुलाई तक अपनी कार्रवाई कर दें, अब हाई कोर्ट 24 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी। करनाल में बिजली विभाग के एसडीओ के दफ्तर में ही पक्षों में लात घूंसे चल गए। इतना ही नहीं, लड़ाई कर रहे लोगों ने वहां बैठने के लिए रखी गई कुर्सियों को ही अपना हथियार बना डाला। एसडीओ ने ठेकेदार को कह दिया कि बिजली की लाइन गलत जा रही है, इसे वहां से हटाओ, लेकिन इतने में वहां 5 लोग घुसते हैं और शिकायत लेकर आए लोगों पर लात घूंसे से मारना शुरू कर देते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद शहर से हनी ट्रैप का एक मामला सामने आया है। इस बार हनी ट्रैप का शिकार एक फिजियोथेरेपिस्ट हुआ है। पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले का खुलासा करते हुए एक युवती समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह तीनों एक फिजियोथेरेपिस्ट को अपने जाल में फंसाकर उससे 20 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने अहम फैसला लिया है। केजरीवाल कैबिनेट ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को मंजूरी दे दी है। केजरीवाल सरकार ने इस योजना को मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नाम दिया है। गोहाना के मुंडलाना में एक घर में घरेलू गैस सिलेंडर फटने से घर में आग लग गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के लोग सहम गए। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने कक्षा 12वीं परीक्षा का परिणाम मंगलवार यानी 21 जुलाई को घोषित जारी कर दिया है। ऐसे में परीक्षा में शामिल हुए छात्र छात्राएं बोर्ड की वेबसाइट पर अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। हर साल की तरह इस बार भी लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों की तुलना में बेहतर रहा। जिला सोलन के आईजीएमसी अस्पताल में मंगलवार को एक महिला डिलीवरी के बाद कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसके बाद सोलन अस्पताल का गायनी वार्ड सील कर दिया गया। दरअसल शनिवार रात नालागढ़ से एक गर्भवती महिला को सोलन अस्पताल रेफर किया गया था।
यहां पहुंचकर महिला ने बेटी को जन्म दिया। चूंकि नवजात की हालत ठीक नहीं थी तो दोनों माँ व नवजात को शिमला रेफर कर दिया गया, जहाँ महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। लोगों से क्या अपील रहेगी जी? हमारे पास एक महिला जो कि जिसकी डिलीवरी होनी थी, नालागढ़ से रेफर होकर सैटरडे नाइट में यहाँ पर आई थी। उसको कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, इसलिए नालागढ़ से उसको यहाँ रेफर दिया गया था। आउट ऑफ स्टेट हम रेफर नहीं कर सकते, चंडीगढ़ नज़दीक होने के बावजूद भी उसको हमको यहाँ रेफर करना पड़ा। यहाँ पर पेशेंट जब आया तो रात संडे को उसकी सुबह डिलीवरी हो गई। बच्चे को कुछ प्रॉब्लम्स आई, बच्चे को इमीडिएटली रेफर कर दिया गया शिमला के लिए, क्योंकि उसमें बच्चे ने पेट में ही पोटी कर दी थी। अब तक के लिए इतना ही, फिर लौटूंगे आपके लिए देश प्रदेश की कुछ बड़ी ताजा खबरें लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए आज प्रकाश टीवी।